हे गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई एम सचिन, वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू बॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें, और अपने बेश कुमार अपने कीमती सजेशंस अपने फीडबैक डालना न भूलिए। तो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द रिव्यू बॉक्स टुडे। आज के वीडियो का टॉपिक है ब्लंडर्स ऑफ नेटो, केस स्टडी बाय आदर्श गुप्ता। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर को छिड़े हुए आज लगभग 3 हफ्ते हो चुके हैं। कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है, ये तो एक अलग डिबेट है, लेकिन ये तय है कि अब तक इस वॉर में कई हज़ार नादान लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई हज़ारों लोग अभी भी वॉर टॉर्न सिटीज़ में भारी बमबारी के बीच बंकर्स में छुपे हुए हैं। 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग रेफ्यूजीज बनकर यूरोप के दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। इसी बीच ये खबर आई है कि यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की नेटो की मेंबरशिप की जिद छोड़ चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। एबीसी न्यूज़ को बताते हुए उन्होंने ये कहा कि वो रशिया की सभी डिमांड्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर यूक्रेन को ये सभी डिमांड्स माननी ही थी तो उन्होंने इस वॉर को शुरू होने ही क्यों दिया? अगर वो पहले से ही ये सभी डिमांड्स मान लेते तो शायद इतना डिस्ट्रक्शन होता ही नहीं। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट जेलेंस्की का कहना है कि जो नेटो कंट्रीज़ इस वॉर में उनका साथ देने के लिए आगे नहीं आ रही हैं, तो ऐसे ग्रुप के साथ मिलकर भविष्य में अपनी सिक्योरिटी की एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं। उनका कहना है कि जिस नेटो की मेंबरशिप के लिए उन्होंने ये वॉर लड़ा, वही नेटो आज बार बार ये कह रहा है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे रशिया को ये लगे कि नेटो भी इस युद्ध में शामिल है। हालांकि नेटो और अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करते हुए उनको ह्यूमैनिटेरियन और मिलिट्री एड प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ वो रशिया के इस एक्ट को भी लगातार कंडेम कर रहे हैं, लेकिन वो एक्टिवली इस वॉर में रशिया के अगेंस्ट लड़ने को तैयार नहीं है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की के मुताबिक इससे ये साफ पता चलता है कि नेटो आज यूक्रेन को अपने गुट में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है, और इसी वजह से अब वो अपनी इस डिमांड को और ज़्यादा प्रेस नहीं करना चाहते हैं। खैर दोस्तों, कुछ स्कॉलर्स इस पूरे डायलमा को यूक्रेन की गलती बता रहे हैं, तो कुछ रशिया का एग्रेशन, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि यहाँ सबसे बड़ा कल्प्रिट कोई है तो वो है नेटो। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि कई सालों से जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट इस वॉर की चेतावनी देते आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से नेटो एक्सपेंड हुआ है उसको देखते हुए एक ना एक दिन इस वॉर का होना निश्चित था, और आज ये सभी प्रेडिक्शंस रियलिटी में तब्दील हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या सच में ये वॉर नेटो के ब्लंडर्स का ही नतीजा है? क्या सच में नेटो ने ही यूक्रेन को इस वॉर में ढकेला है? आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम नेटो के ओरिजिन और उसके ब्रीफ बैकग्राउंड को ट्रेस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह समय समय पर नेटो रशिया के अगेंस्ट जाकर एक्सपेंड हुआ और कैसे नेटो के ये ब्लंडर्स अल्टीमेटली आज इतने भयानक वॉर के रूप में बदल गए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो, या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सो नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका और यूरोपियन देशों के बीच बनी एक सिक्योरिटी अलायंस है। इसका जन्म कोल्ड वॉर एरा की शुरुआत में 1949 में हुआ था। इस अलायंस का एक डेमोक्रेटिक फ्रीडम और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर की रक्षा करना था। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका मकसद सोवियत रशिया के एग्रेशन और उनकी आइडियोलॉजी कम्युनिज्म के एक्सपेंशन को कंटेन करना था। ये यूरोप में कलेक्टिव सिक्योरिटी एस्टैब्लिश करना चाहते थे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के आर्टिकल 5 इसके एम्बिशंस को साफ साफ दर्शाते हैं। इसमें लिखा है कि अगर किसी भी नेटो अलाई पर कभी कोई हमला होता है तो वो सभी नेटो कंट्रीज के अगेंस्ट माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये केवल एक मिलिट्री या डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये डेमोक्रेटिक और लिबरल देशों का अलायंस है जिसका मकसद डेमोक्रेसी और कैपिटलिस्ट वैल्यूज़ को प्रमोट करना है। कई स्कॉलर्स इसको इंजन ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन भी कहते हैं। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में अलायंसेस अक्सर बैलेंस ऑफ पावर को अलायंस के फेवर में शिफ्ट कर देती है, जिससे उस अलायंस की राइवल कंट्रीज को खतरा महसूस होने लगता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। 1955 में नेटो ने पीस के नाम पर वेस्ट जर्मनी को नेटो ज्वाइन करने का ऑफर दिया। इसी के रिस्पांस में नेटो को काउंटर करने के लिए सोवियत रशिया ने 1955 में वॉर्सो पैक्ट साइन किया। ये पैक्ट सोवियत रशिया और उसके 7 कम्युनिस्ट अलाइज यानी कि अल्बानिया, बल्गेरिया,
चेकोस्लाविया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और ईस्टर्न जर्मनी के बीच साइन हुई। नेटो की तरह ये भी कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स पर ही बेस था। दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्नों को पीछे पलट कर देखें तो हमें पता चलता है कि वेस्टर्न पावर्स ने रशिया के ऊपर कई बार हमला किया है, चाहे वो नेपोलियनिक फ्रांस हो, इंपीरियल जर्मनी या फिर नाजी जर्मनी। रशिया ने कई बार वेस्टर्न नेशंस के एग्रेशन का सामना किया है और इसलिए रशिया नेटो को एक डिफेंस अलायंस की तरह नहीं बल्कि ऐसी एक्सपेंशनिस्ट पावर की तरह देखता है जिससे रशिया के इन्फ्लुएंस और उसके इंटरेस्ट को हमेशा खतरा बना रहता है। हालांकि पूरे कोल्ड वॉर एरा में ये दोनों गुट आमने सामने खड़े रहे, लेकिन इन दोनों के बीच की असली टेंशन कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद शुरू हुई। और वो कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि 1989 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, ईस्टर्न और वेस्टर्न जर्मनी के बीच बनी बर्लिन वॉल गिरा दी गई, यूरोप में आयरन कर्टेन लिफ्ट हो गया और कोल्ड वॉर का अंत हुआ, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी यूनाइट हो गए। और जर्मनी के इस यूनिफिकेशन के बाद यूरोप में एक बड़े डायलमा ने जन्म लिया और वो डायलमा ये था कि अब ये यूनिफाइड जर्मनी नेटो का हिस्सा बनेगा या फिर वॉरसॉ का। दोस्तों, यूएसएसआर के तत्कालीन लीडर मिखाइल गोर्बाचेव जर्मनी के रियूनिफिकेशन के लिए तो मान गए थे, लेकिन वह जर्मनी की नेटो में जुड़ने से सहमत नहीं थे। न्यूली फॉर्म्ड रशियन फेडरेशन बहुत वीक स्टेट था, इसलिए वह नेटो और यूएस से एश्योरेंस चाहते थे कि वो ईस्टर्न जर्मनी के बियॉन्ड ईस्ट में और ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करेंगे। कई ऑफिशियल्स दावा करते हैं कि यूएस के तत्कालीन प्रेसिडेंट जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश ने रशियन प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव के आगे एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अगर जर्मनी नेटो में शामिल हो जाता है तो नेटो अपना एक्सपेंशन रोक देगा, यानी इसके बाद वो उसमें कोई नया मेंबर ऐड नहीं करेंगे। मॉस्को ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया और नेटो के आगे न बढ़ने की उम्मीद में वॉरसॉ पैक्ट को भी ख़त्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये एक वर्बल एग्रीमेंट था, यानी कि इसको लेकर कोई रिटन डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया गया। दूसरी भाषा में कहें तो ये केवल एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। और बस इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए यूएस की सबसिक्वेंट गवर्नमेंट्स ने हमेशा इस बात से इनकार किया कि ऐसा कोई ऑफर उनकी तरफ से नहीं किया गया था। अब आइए देखते हैं कि नेटो ने रशिया को धोखा देते हुए समय समय पर खुद को कैसे एक्सपेंड किया। दोस्तों, जब नेटो का जन्म हुआ था तब उसमें केवल 12 मेंबर्स थे, लेकिन आज उसमें 30 मेंबर्स हैं। नेटो का ये एक्सपेंशन उसकी ओपन डोर पॉलिसी के तहत कई राउंड्स में हुआ। शुरुआत के 3 राउंड्स ऑफ एक्सपेंशन कोल्ड वॉर एरा में हुए, 1952 में ग्रीस और टर्की, 1955 में वेस्ट जर्मनी और 1982 में स्पेन नेटो में शामिल हुआ। बाकी 3 राउंड्स यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद हुए, 1999 में फॉर्मर वॉरसॉ पैक्ट कंट्रीज पोलैंड, हंगरी और चेक रिपब्लिक नेटो में शामिल हुए, 1999 में यूएस प्रेसिडेंट क्लिंटन के नेतृत्व में हुई वॉशिंगटन समिट के दौरान नेटो ने एक मेंबरशिप एक्शन प्लान लॉन्च किया जिसके तहत बाकी यूरोपियन कंट्रीज को नेटो के साथ जुड़ने में मदद की गई। इसके बाद नेटो के एक्सपेंशन की दूसरी बड़ी लहर 2004 में आई जब बल्गेरिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया नेटो का हिस्सा बने। रशिया ने इस चीज़ को लेकर शुरुआत से ही नाराज़गी जताई, लेकिन उस समय रशिया इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो नेटो के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन के खिलाफ कुछ भी कर सके। लेकिन नेटो अभी भी नहीं रुका। 2008 में एक कॉन्ट्रोवर्शियल बुचारेस्ट समिट हुई जिसमें यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने जॉर्जिया और यूक्रेन के लिए भी नेटो का रास्ता खोल दिया। इस पॉइंट पर जर्मनी और फ्रांस ने यूएस का साथ नहीं दिया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे रशिया के सब्र का बांध टूट जाएगा। इसके चलते उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज नेगोशिएट किया जिसके चलते उस समिट में जॉर्जिया और यूक्रेन नेटो से फॉर्मली नहीं जुड़े, लेकिन ये दोनों नेटो के एस्पायरिंग मेंबर्स घोषित कर दिए गए। इस पॉइंट पर कई रशियन और अमेरिकन एक्सपर्ट्स ने यूएस को वार्न किया। उदाहरण के तौर पर रशिया के तत्कालीन डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर अलेक्जेंडर ग्रुंचको ने यह कहा कि जॉर्जिया और यूक्रेन का नेटो के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक डिजास्टर साबित होगा जो पूरे यूरोप की सिक्योरिटी को तबाह कर देगा। उसी तरह पुतिन का कहना था कि इन दोनों कंट्री का नेटो के साथ जुड़ना रशिया के लिए डायरेक्ट थ्रेट साबित होगा और वो ये होने नहीं देंगे। एक रशियन न्यूज़पेपर के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन ने उस समय प्रेसिडेंट बुश को ये हिंट दिया था कि अगर यूक्रेन को नेटो में इन्वॉल्व किया गया तो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिया जाएगा। 2008 में जॉर्जिया का इन्वेजन चीख चीख कर इस बात के संकेत दे रहा था। दोस्तों, इसी तरह न जाने कितने यूएस डिप्लोमेट्स और लीडिंग फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स नेटो को इस एक्सपेंशन की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन इन सभी वार्निंग्स के बाद भी नेटो ने अपना एक्सपेंशन जारी रखा। बुचारेस्ट समिट के बाद 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया नेटो से जुड़े। 2014 में चिंगारी एक बार फिर भड़क गई।
अभी तक यूएस यूक्रेन में वेस्टर्न वैल्यूज और डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए भारी भरकम फंडिंग कर रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1991 से लेकर 2013 तक यूएस अपने इन्फ्लुएंस को प्रमोट करने के लिए यूक्रेन में $5 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका था। यूएस की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यूक्रेन की सिविल सोसाइटी में 60 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स फंड कर रही थी। लेकिन 2010 में यूक्रेन में इलेक्शंस हुए, उसके बाद प्रो यूएस प्रेसिडेंट कार्ल गर्शमन को हटाकर विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के नए प्रेसिडेंट बने। विक्टर यानुकोविच को प्रो रशियन बताया जाता है। नवंबर 2013 में प्रेसिडेंट यानुकोविच ने ईयू की एक मेजर इकोनॉमिक डील को कैंसिल कर रशिया का $15 बिलियन का काउंटर ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, जिससे यूएस के डेमोक्रेसी प्रमोशन को एक बड़ा झटका लगा। बस फिर क्या था, फरवरी 2014 में यूक्रेन में तख्ता पलट करा दिया गया। बाद में कई ऐसे खुलासे हुए जिससे पता चला कि इस कूप के पीछे और कोई नहीं बल्कि यूएस ही था। खैर, प्रेसिडेंट यानुकोविच रशिया चले गए और उनकी जगह एक प्रो वेस्टर्न और एंटी रशियन प्रेसिडेंट को यूक्रेन की सत्ता सौंप दी गई। वेस्ट के इस एक्ट ने रशिया के सब्र का बांध तोड़ दिया। इसी के रिस्पॉन्स में प्रेसिडेंट पुतिन ने क्राइमियन पेनिनसुला को यूक्रेन से छीन लिया। उन्होंने यूक्रेन की गवर्नमेंट से ये बात साफ शब्दों में कह दी कि अगर उन्होंने रशिया की चौखट पर यूक्रेन को एक वेस्टर्न स्ट्रॉन्गहोल्ड बनाने की कोशिश की तो यूक्रेन एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन इतना सब होने के बावजूद नेटो का एक्सपेंशन नहीं रुका। 2017 में मोंटेनेग्रो और 2020 में नॉर्थ मैकेडोनिया इस अलायंस के सबसे फ्रेश एडिशंस बने। बोस्निया और हर्जेगोविना, जॉर्जिया और यूक्रेन उनकी एस्पायरिंग लिस्ट में अभी भी अगले नंबर पर हैं। और तो और, नेटो स्वीडन, फिनलैंड और सर्बिया को भी टारगेट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ओवर द ईयर्स नेटो रशिया के कंसर्न्स और सिक्योरिटी की कॉस्ट पर उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में पेनिट्रेट करता रहा। तो दोस्तों, अब आप इस पूरे बैकग्राउंड को समझने के बाद यूक्रेन में चल रहे वॉर का कारण समझ सकते हैं। अब आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन एक बफर स्टेट के तौर पर रशिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पुतिन यूक्रेन पर एक रेड लाइन ड्रॉ कर चुके हैं और अगर कोई भी ये रेड लाइन क्रॉस करता है तो वो रशिया बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, आज अमेरिकन और बाकी यूरोपियन देश भले ही पुतिन के स्टैंड के अगेंस्ट हो, लेकिन यहाँ जियोपॉलिटिक्स का एक सीधा सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है और वो ये कि ग्रेट पावर्स अपने टेरिटरी के पास अपनी राइवल कंट्रीज के फुटप्रिंट्स बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ऐसा करना उनकी सिक्योरिटी के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट है। आप खुद सोच कर देखिए कि क्या आज यूएसए, कनाडा या मेक्सिको के साथ चाइना के किसी पोटेंशियल मिलिट्री अलायंस को बर्दाश्त कर पाएगा। तो रशिया की सिचुएशन भी कुछ इसी तरह की है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रशिया ने जो किया वो पूरी तरह ठीक है। किसी भी इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशन के ऊपर इस तरह वॉर डिक्लेयर करना और उनके सिविलियंस के साथ वॉर क्राइम्स कमिट करना भी किसी कीमत पर जायज नहीं है। लेकिन इस पूरी क्राइसिस का ब्लेम किसी भी एक पार्टी के ऊपर डालना भी सही नहीं है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक रैशनल और इन्फॉर्म्ड ह्यूमन होने के नाते हमें सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना और समझना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसके अलावा ये वीडियो यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 के आईआर सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो से जुड़ा एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर दे सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज, क्रिटिकली एनालाइज द रेलेवेंस एंड नेसेसिटी ऑफ नेट। इस वीडियो में हमने अभी देखा कि किस प्रकार से जो अब यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण नाटो का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे बड़ा रीज़न रहा है। सबसे पहले तो नाटो के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो हमें वीडियो से मालूम हुई है कि नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका जन्म हुआ था 1949 में। और इसमें जो सिग्नेटरीज थे वो थे यूएस था और जो बाकी तमाम यूरोपियन नेशंस थे। और ये एक सिक्योरिटी अलायंस था और इसके पीछे का मकसद था कि जो डेमोक्रेसी है, कैपिटलिस्ट वैल्यूज है, उसको प्रमोट करना, उसकी रक्षा करना। और साथ ही साथ आर्टिकल 5 ऑफ नाटो ये भी कहता है कि अगर जो भी मेंबर्स है नाटो के उसके ऊपर कोई शत्रु देश अगर हमला करता है तो ये समझा जाएगा कि बाकी देशों के ऊपर भी वो हमला हुआ है, तो मिलकर नाटो के देश जो है उस शत्रु पर हमला करेंगे। तो ये एक प्रकार की सिक्योरिटी की भावना देने वाला एक सिग्नेटरी थी कि जहाँ पर हर एक देश को लगता था कि हर एक देश का सपोर्ट उनको ये मिलेगा। और इसी वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे इसमें बदलाव होते गए और वॉर्सो पैक्ट भी साइन हुआ था जब यूएसएसआर था, तब पोलैंड जो वॉर्सा जो पोलैंड की राजधानी है तो उसी वहाँ पर ये गठन हुआ था। और तब वो जो यूएसएसआर के साथ जो भी वो देश थे, चाहे पोलैंड है, हंगेरी है, अल्बेनिया है,
चेकोस्लोवाकिया है, ये सारे देश, रोमानिया है, वो सारे देश जो थे उस समय यूएसएसआर के साथ थे। पर धीरे धीरे हम देखते हैं कि 1989 का दौर आता है और जो ईस्ट जर्मनी है, वेस्ट जर्मनी है, दीवार टूट जाती है, यूनिफिकेशन हो जाता है। और फिर तब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ईस्ट जर्मनी जो वॉरसो पैक्ट का हिस्सा रहा, यूएसएसआर का हिस्सा रहा है, और वेस्ट जर्मनी जो नाटो का हिस्सा रहा है, अब अगर ये यूनिफाइड जर्मनी आ जाती है तो फिर क्या। तब अमेरिका ने वर्बली रशिया को ये कहा था कि यह हमारा आखिरी हमारा देश होगा जो नाटो में हम शामिल करेंगे। तो इस आश्वासन पर यकीन करते हुए रशिया ने वॉरसो पैक्ट को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया था। हम सभी जानते हैं कि यूएसएसआर के टूटने के बाद कम से कम 15 देशों का जन्म हुआ था, रशियन फेडरेशन बना, और रशियन फेडरेशन तब बहुत वीक था और इसी का फ़ायदा नाटो ने लिया। और धीरे धीरे उनका जो एक्सपांशनिस्ट एम है अंडर द गाइज ऑफ डेमोक्रेसी, कैपिटलिस्ट वैल्यू, सिक्योरिटी अलायंस, वो धीरे धीरे जो तमाम यूरोपियन नेशंस के जो देश थे उनको उसने अपना हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। और हमेशा रशिया ने अलग अलग फोरम्स पे, चाहे यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी असेंबली है, जहाँ पर भी है, हमेशा रशिया ने कहा कि आपने जो वादा किया था उसे आप तोड़ रहे हो। और हमेशा अमेरिका ने इससे इनकार किया कि हमने ऐसा कोई वादा आपसे किया ही नहीं था। और हुआ भी ऐसे ही था कि 2008 के आसपास हम देखते हैं कि जॉर्जिया जो नाटो का हिस्सा बनना चाहता था तो वहाँ पर रशिया ने साउथ ओसेटा को अपने कब्जे में ले लिया। 2014 में हम देखते हैं कि यूक्रेन का जो क्रीमिया का जो हिस्सा है वो रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया। और बिल्कुल अगर हम रशिया की तरफ से सोचेंगे तो ये बड़ी सुपर पावर रही है, और कोई भी जो सुपर पावर होते हैं वो ये नहीं चाहते कि उनके दरवाजे तक शत्रु अपनी दस्तक दें, उनके फुटप्रिंट्स वहाँ तक आ जाए। और ख़ास करके यूक्रेन का जो अगर स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जियोपॉलिटिक्स उसका जो इम्पोर्टेंस है, जॉर्जिया का है, तो रशिया कभी नहीं चाहेगा कि वो नाटो का हिस्सा बने। तो रशिया यही चाहता था कि आप न्यूट्रल रहे, आप किसी का भी भले हिस्सा न बने। और रशिया ये भी चाहता था कि यूक्रेन में जो भी गवर्नमेंट बने वो प्रो रशिया रहे, प्रो अमेरिका या प्रो यूरोपियन न रहे। पर इसमें बदलाव होते गए और आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भयानक युद्ध जो है यूक्रेन और रशिया के बीच में छिड़ा हुआ है। हम हज़ारों लाखों की तादाद में लोग बेघर हो गए, करोड़ों रुपए की संपत्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई है। आज लाखों लोग इमिग्रेंट्स बनकर अपने घर द्वार छोड़कर, कोई पोलैंड, कोई हंगेरी, कोई रोमानिया, आसपास के जो बॉर्डर देश है वहाँ पे वो शरणार्थी के रूप में जा रहे हैं। बहुत ही विकट समस्या आज यूक्रेन के सामने आ खड़ी हुई है। और ऐसे में उनके जो प्रेसिडेंट है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, अब वो कह रहे हैं कि वो नाटो का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, और जो शर्तें, जो कंडीशंस रशिया ने रखी है उसे, तमाम उन कंडीशंस को भी वो पॉजिटिवली सोच रहे हैं कि उसको वो एक्सेप्ट करें। तो सवाल यही आता है कि अगर उसको एक्सेप्ट ही करना था तो ये युद्ध ही क्यों हुआ। अगर आज ये युद्ध न होता तो आज ये लाखों लोग बेघर न होते, हज़ारों की तादाद में लोग जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, जवान हैं, वो अपने जान नहीं खोते। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये नाटो का बहुत बड़ा ब्लंडर रहा है। अपने एक्सपांशनिस्ट एम के चक्कर में उसने एक देश को युद्ध में झोंक दिया। और आज नाटो के यूक्रेन को लग रहा था कि नाटो जिसका वो सदस्य बनने की इच्छा हमेशा वो व्यक्त करता रहा, तो उसे ये एहसास हुआ कि भाई अगर ह्यूमैनिटेरियन एड छोड़ दे या फिर कुछ आर्म्स एमिनेशन जो उनको मिल रहे हैं नाटो के तरफ से उसे अगर छोड़ दिया जाए, तो नाटो ने ये क्लियर कर दिया है कि वो नो फ्लाई जोन को वो डिक्लेयर नहीं करेंगे, या नाटो की जो सेना है वो यूक्रेन की धरती पर नहीं उतारेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इसका मतलब है कि सीधे सीधे अगर नाटो इस युद्ध में शामिल हो जाता है तो रशिया को यही लगेगा कि नाटो जो है वो उनके खिलाफ हो गया है। तो फिर ये एक प्रकार की गूंज है, ध्वनि है, एक संकेत है तीसरे महायुद्ध के लिए। और ये बहुत ही विद्रूप, बहुत ही भयंकर ये स्थिति की ओर हम बढ़ रहे हैं। भले ही हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने तमाम यूरोपियन नेशन से तरह तरह के फाइनेंशियल सैंक्शंस आज रशिया पर लगाए हैं, पर शायद मुझे लगता है इसकी प्लानिंग रशिया ने बहुत पहले ही कर ली थी कि क्या क्या हो सकता है, इसके क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं, इसके उनको क्या क्या उन सिचुएशंस उनको गुजरना पड़ेगा। तो पर आप लगभग अब इतने दिन हो गए पर अभी भी ये युद्ध चल रहा है और उसमें से कोई सोल्यूशन दिख नहीं रहा है। तो बहुत ही अफसोसनाक परिस्थिति है और हमें बहुत हम मायूस हो जाते हैं जब हम टीवी के ऊपर उन सारे पिक्चर्स को देखते हैं कि किस प्रकार से मासूम बच्चे रो रहे हैं, है ना। लोग जो है उनको बिल्कुल समझ में नहीं, उनका पूरा भविष्य जो है पूरी तरह से अंधकार में चला गया है।
और हम सभी जानते हैं कि वॉर किसी भी समस्या का सोल्यूशन नहीं हो सकता है, हमेशा टेबल पर बैठकर डिस्कशन ही एक सोल्यूशन हो सकता है। पर न नाटो या अमेरिका इसके लिए राजी है या न यहाँ पर रशिया राजी। हाँ ठीक है, रशिया को अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स है, पर इसका मतलब नहीं है कि एक सोवरेन कंट्री है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है यूक्रेन, उसके ऊपर हमला कर देना। तो ये एक बहुत ही विचित्र, बहुत ही ऐसी भयानक परिस्थिति में आज हम ये पूरी दुनिया आ गई है। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर युद्ध यूक्रेन में हो रहा है तो इसका असर हम पर नहीं होगा, इसका असर आज तमाम दुनिया पर हो रहा है। हम देख रहे हैं कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गैस प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसका असर हमारे हिंदुस्तान पर, हमारे भारत पर भी इसका असर हो रहा है। तो हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें से कोई पॉजिटिव रास्ता निकले, यह युद्ध समाप्त हो और लोगों, जो आम जनता है, उनको राहत मिले, उनको मदद मिले। यही हम ईश्वर से दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और उनसे दो बड़े राष्ट्रों, जो उनको सत्सत विवेक बुद्धि मिले कि युद्ध से कोई भी रास्ता नहीं निकल सकता है, वो सिर्फ बातचीत से ही वो रास्ता निकल सकता है, शांति ही एकमात्र रास्ता है। ये पहले और द्वितीय महायुद्ध में हम सीख चुके थे, पर फिर भी हम अपने लेसन्स को भूल गए हैं। तो दोस्तों, ब्लंडर्स ऑफ नाटो एक बहुत ही अच्छी तस्वीर यहाँ पर आदर्श गुप्ता जी ने यहाँ पर हमें प्रेजेंट करने की कोशिश की है, बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने हमारे सामने रखी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए।